इसीलिए अब ये प्रश्न मस्तिष्क में कभी मत लाइएगा कि अमुक महात्मा कहता है हम तुमको भगवान को दिखा देंगे, वो महात्मा नहीं है, पाखंडी है, क्या दिखाएगा वो भगवान को। आपको भक्ति करनी होगी, जो मैं बताऊंगी आपको आगे, उस भक्ति को करने से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब फिर गुरु दिव्य शक्ति देगा, जिससे आपकी इंद्रिय मन बुद्धि सब दिव्य बनेंगी, तब आपको उन दिव्य भगवान का ओरिजिनल दर्शन होगा, वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा, और तब आप उससे लाभ ले सकेंगे। फिर आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, महात्मा जी हमें एक बार भगवान को दिखा दीजिए। अरे कोई कुशामत करने की जरूरत नहीं, आप अधिकारी बन गए, आपको बिना मांगे देगा वो महापुरुष, भगवान प्रबंध करवाएंगे उसका, और 1/100 सेकंड बाद नहीं देगा। जिस क्षण आप अधिकारी बनेंगे, परखते रहते हैं भगवान और महापुरुष। अरे जब लाखों प्रयत्न करते हैं हम विमुख जीवों को सन्मुख करने का ईश्वर के प्रति, तो फिर अगर कोई सन्मुख हो जाएगा तो भला वो कृपा करने में देर लगाएंगे, आनाकानी करेंगे? 1 सेकंड के करोड़वें भाग की देर नहीं हो सकती जीव पर कृपा करने में, जिस क्षण वो अधिकारी बनेगा उस क्षण सामान दिया जाएगा, और फिर आपको सर्वत्र दर्शन होंगे भगवान के, क्योंकि वो तो सब जगह है ही है, कहीं आप बच के नहीं जा सकते जहां भगवान न दिखाई दे आपको। चाहे आप आंख बंद कर लें तो भी आपको भगवान का दर्शन होगा, आप कान में उंगली लगा लें तो भी उनकी मुरली सुनाई पड़ेगी आपको, अनंत ब्रह्मांडों में आप कहीं बच के नहीं जा सकते, ऐसे दिखाई देंगे फिर आपको भगवान, ऐसे आपको कण कण में उनका अनुभव होगा, साक्षात प्रैक्टिकल। और अगर आप अधिकारी नहीं हैं, तो अधिकारी बनने के पहले अगर आपको गोलोक में भी ले जा करके कोई महापुरुष खड़ा कर दे तो आप इतने व्याकुल हो जाएंगे कि कैसे यहां से हम भागें, जल्दी से अपने वही मृत्युलोक में पहुंचे, इतना खराब लगेगा आपको। कोई वहां का लाभ आप 0.1% भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप अधिकारी नहीं हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने यही बात कही है, इफ यू गो टू हेवन विदाउट बीइंग नेचुरली क्वालिफाइड फॉर इट यू शैल नॉट एंजॉय देयर। अर्थात तुम सहज रूप से अधिकारी बने बिना अगर हेवन भी चले जाते हो, वो लोग भगवान के धाम को हेवन शब्द से बोलते हैं, बिना अधिकारी बने अगर तुम हेवन भी चले गए तो तुम्हें वहां पर किसी आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए अधिकारी बनना है हम लोगों को, और उस अधिकारी बनने के लिए हमें रूप ध्यान करना होगा, कंपलसरी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अब देखिए, एक लेकिन आ रहा है, और ये लेकिन बड़ा भयंकर है। क्या लेकिन? लेकिन ये है कि हम जो रूप ध्यान करेंगे वो मन से करेंगे ना, हाँ, और हमारा मन कैसा है? हमारा मन माया का बना हुआ है, प्राकृत है। और भगवान कैसे हैं? दिव्य चिन्मय। तो ये प्राकृत मन दिव्य भगवान का रूप ध्यान करेगा कैसे? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्च नेति।
वेद कहता है इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थार्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परम अव्यक्तमव्यक्तात् पुरुखः परः, पुरुखान् न परम किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। यानी भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है, इनके अंतर्गत वो कभी आ ही नहीं सकता। गीता भी कहती है इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। रामायण भी कहती है राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम वद। अर्थात वो दिव्य चिन्मय भगवान कभी इंद्रिय मन बुद्धि के अंतर्गत आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। जहां तक इनकी गति है वो सब माया का क्षेत्र है, और भगवान माया से परे हैं, दिव्य चिन्मय है उनका स्वरूप। हाँ, तो फिर उन दिव्य चिन्मय भगवान का ध्यान ये प्राकृत मन कैसे करेगा? ये तो जो भी चिंतन करेगा, जो भी रूप बनाएगा, वो प्राकृत होगा, मटेरियल होगा, तो भगवान का ध्यान कैसे हुआ? इसीलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। कि देखो भाई, वेद में लिखा हुआ है कि भगवान की शक्ति से ये आंख देखती है, इसीलिए ये आंख भगवान को नहीं देख सकती, इसीलिए ये आंख जो कुछ देखती है वो सब माया है, भगवान का दर्शन नहीं कर सकती ये आंख। ऐसा कुछ लोग कहते हैं निराकार ब्रह्म के उपासक, और सगुण साकार पर आक्षेप करते हैं। लेकिन ये जो मंत्र है जिसको वो कोट करते हैं, ये मंत्र तो बाद में आया है, और इसके ठीक पहले एक दूसरा मंत्र आया है। देखो ये केनोपनिषद का पहले खंड का 6वां मंत्र है, यच्चक्षुषा न पश्यति, और इसके पहले पहले खंड का 5वां मंत्र आया है, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। अर्थात ये मन भगवान की ही शक्ति को पा करके सोचने का काम करता है, इस मन को सोचने की शक्ति भगवान से ही मिलती है, इसीलिए ये मन भगवान के बारे में नहीं सोच सकता, भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। तो तुम जो आक्षेप कर रहे हो कि आंखों को देखने की शक्ति भगवान से मिलती है, इसीलिए आंख भगवान का दर्शन नहीं कर सकती, इसीलिए जो कुछ आंख देख रही है वो सब माया है, तो तुम जो चिंतन करते हो निराकार ब्रह्म का, ये निराकार ब्रह्म का चिंतन तुम किससे करते हो? मन से ही तो करते होगे। हाँ, और ये मन तो माया का बना हुआ है। हाँ, इस मन को सोचने की शक्ति भगवान से ही मिलती है। हाँ, तो ये मन भगवान के बारे में नहीं सोच सकता, ये भी तो लिखा है वेद में। हाँ, ये भी लिखा है। तो फिर तुम जो चिंतन करते हो वो ठीक कैसे है?
अगर तुम सगुण साकार भगवान के उपासकों पर आक्षेप करते हो कि सगुण साकार भगवान का ध्यान नहीं हो सकता, वो सब गलत है, कल्पना है, तो फिर तुम जो चिंतन करते हो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का, ये भी तो कल्पना है। तुम भी तो प्राकृत मन से ही चिंतन करते हो। अरे तुमने एक बिंदु बना दिया या लाइट का दर्शन कर रहे हो, तुम ध्यान कर रहे हो, या क्रॉस का कर रहे हो, या चांद का कर रहे हो, किसी भी चीज का कर रहे हो निराकार का, तो ये भी तो प्राकृत रूप ही है ना। दिव्य रूप की तो तुम कल्पना नहीं कर सकते, ये सब प्राकृत चीजें हैं ना। हाँ प्राकृत चीजें हैं, तो फिर तुम्हारी प्राप्ति कैसे होगी इष्ट देव की, तुमको ब्रह्म की प्राप्ति। लेकिन प्राप्ति हुई है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासकों को भी, उनके अभीष्ट की प्राप्ति हुई है, और सगुण सविशेष साकार भगवान के उपासकों को भी उनके अभीष्ट सगुण सविशेष साकार भगवान के दर्शन हुए, अनंत महापुरुष हुए। इसका मतलब ये कि प्राकृत मन से किए गए रूप ध्यान का भी दिव्य फल मिलता है। क्यों? इसीलिए कि भगवान अकारण करुण है। अपनी अकारण करुणा के कारण वो हमारे प्राकृत मन से किए गए प्राकृत रूप ध्यान का भी दिव्य फल प्रदान करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये जीव को मैं कह रहा हूं कि तू मेरी शरणागति कर, मेरी भक्ति कर, मेरा रूप ध्यान कर, तो बिचारे के पास जो साधन है उन्हीं से तो करेगा। अब इसके पास इंद्रियां प्राकृत, मन प्राकृत, सब बुद्धि प्राकृत, सब कुछ माया की है, प्राकृत है, तो इन्हीं से तो करेगा वो भक्ति, इन्हीं से तो करेगा शरणागति। दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि कहां से लाएगा बेचारा ये जीव? क्या ये बात भगवान को नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। इसीलिए भगवान हमारे उस प्राकृत रूप ध्यान का ही अपनी अकारण करुणावश दिव्य फल प्रदान करते हैं। हम जो मन से कल्पना करते हैं उसी को भगवान अपना ओरिजिनल रूप मान लेते हैं, और इसी आधार पर अनंत लोगों ने भगवत प्राप्ति की। देखो जैसे एक 5 साल का बच्चा है, वो स्पीच देता है, उसी उम्र के बच्चों का, 5 साल की उम्र के बच्चों का कंपटीशन हो रहा है। उस कंपटीशन में एक बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से याद करके संस्कृत में स्पीच दी, या इंग्लिश में स्पीच दी, या हिंदी में स्पीच दी, अब उसको इनाम मिला। अब वहां पर एक प्रोफेसर बैठा हुआ है, वो प्रोफेसर कहता है ये इनाम इस बच्चे को क्यों दिया जा रहा है, भला इसकी भी कोई संस्कृत थी, इसकी भी कोई इंग्लिश थी, इसकी भी कोई हिंदी थी जो इसको इनाम दिया जा रहा है? अरे भाई तुम अपने स्टैंडर्ड से क्यों नाप रहे हो उसको? ये उसके जो उम्र है 5 साल की, उस स्थिति से विचार करो कि उसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। तुम जब 5 साल के थे तब क्या ऐसी स्पीच दे सकते थे संस्कृत में जैसी उस बच्चे ने दी है? जब तुम 5 साल के थे तब क्या आज तुम जैसे बोल सकते हो प्रोफेसर होने के बाद, क्या ऐसा उस समय बोल सकते थे? फिर अपने स्टैंडर्ड से उस बच्चे को क्यों नाप रहे हो? ये जो इनाम दिया जा रहा है वो बच्चे की उम्र के अनुसार उसने जिस योग्यता का प्रदर्शन किया है उसे देख कर किया दिया जा रहा है। ऐसे ही भगवान हमारी हैसियत जानते हैं कि ये जीव कितना असमर्थ है, कितना असहाय है, इसके पास दिव्य चीज बिचारे के पास कोई है ही नहीं, सब माया की है। इसीलिए मैं जब कह रहा हूं कि मेरा रूप ध्यान करो, तो जो साधन है उन्हीं से करेगा, तो इसका बनाया हुआ रूप प्राकृत ही तो होगा बिचारे का, ओरिजिनल रूप कैसे बनाएगा? और दिव्य शक्ति पहले मिल जाए बाद में हम रूप ध्यान करें, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए भगवान हमारे उस प्राकृत रूप ध्यान का ही
दिव्य फल प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारा मन तो माया का बना हुआ है तो हम दिव्य भगवान का रूप ध्यान कैसे करेंगे, इसी मन से करेंगे। लेकिन रूप ध्यान में, यानी आप मन से रूप ध्यान बनाइए जैसा चाहें, लेकिन उसमें भावना दिव्य रखिए, बस इतना सा काम आपको करना है। दिव्य भावना कर दीजिए उसमें। दिव्य भावना का मतलब